सामने आपको एक पावर बैंक दिख रही होगी, इसको सही से बोलते हैं क्या, कैपेसिटर बैंक, कैपेसिटर बैंक भी बोलते हैं इसको। तो इस कैपेसिटर बैंक का आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये मेन पैनल के साथ में ये कैपेसिटर पैनल कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कैपेसिटर हम पैनल क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो बिल पे पेनाल्टी पड़ती है पावर फैक्टर की, वो इसमें नहीं पड़ती और ये बिल्कुल मेंटेन करके चलता है। देखो अभी कितना चल रहा है, यहाँ से यहाँ आपको बंद दिख रहा होगा, देखो जो बंद दिख रहा है ना, ये देखो बंद दिख रहा, ये बंद दिख रहा है, वो बंद दिख रहा है। इसमें पांच कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 लगे हुए हैं। देखिए, अब आपको कोई बोलता है ये कैपेसिटर पैनल काम कैसे करता है, पहले तो ये समझ लीजिए, और इसको चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले ये काम हमारा कैसे करता है, इस मेन पैनल के साथ में एक सीटी डाल देते हैं, किसी भी फेज पर एक सीटी डाल देंगे और सीटी की वायरिंग ले आते हैं इसमें, मैं वो दिखाता हूँ। अब जो सीटी की वायरिंग आई है, जो आपको जो दो वायर दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये आके हमारे इस मॉनिटर में लग गए हैं। ये मॉनिटर क्या करेगा, मॉनिटर कर करके जैसे एक 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 को कमांड देता रहेगा। ये देखिए, यहाँ से दो सीटी के वायर आए, जीरा आए, ये हमारी जो केबल आई है ना, वो इस पैनल से आई है, यहाँ से इस वाली जगह से आई है, कि हमारे यहाँ पर जो सीटी डली होगी वो इस मेन चैम्बर के अंदर डली रहती है। इसके अंदर एक सीटी डली होगी, आपको दिख नहीं रही होगी, नीचे जो बहुत सारे वायर दिख रहे हैं ना, वहाँ पर एक सीटी डली है, ऐसी सीटी डली होगी। देखो ये दिख रही है, ये दिख रही है, वायरिंग दिख रही है। ये सीटी की मदद से क्या, जैसे ही एम्पियर बढ़ेगा तो वो कैपेसिटर अपने आप चालू और बंद होते रहेंगे, ठीक है। और यदि आपको कोई बोलता है ये कैपेसिटर पैनल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको चेक करना हो तो कैसे करना है, देखो इसमें मैं इतना आसान तरीका बता दूंगा, आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। अब इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो पहले तो सारे कैपेसिटर इसमें से बंद कर देने का। बंद कैसे होंगे, जैसे हमने 1, 2 ऐसे ही सारे बंद कर लेंगे इसमें, ये देखो हमने पूरे बंद कर लेंगे, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ऐसे ही इसमें पूरे बंद कर लेंगे हम, ये पूरे बंद हो गए। अब देखो पूरे बंद हो गए तो आपको स्क्रीन पे देखना होगा ध्यान से, तो हमारा कैपेसिटर देखो कहाँ चला गया, देखो अभी हमने इसको मैनुअल कर दिया है तो हमारे कैपेसिटर 8 ओम हुआ है और ये 93 पे हुआ, ठीक है, यानी ये होना चाहिए बंद, पर ये जा रहा है 93 पे, ठीक है। देखो ये 93 पे, तो क्या यहाँ पे एरर आ रहा है कि अभी ये कैपेसिटर, अब आपको इनमें से कैपेसिटर चेक करने हैं कि इनमें कैपेसिटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो कैपेसिटर चेक करने के लिए सबसे बढ़िया, पहले तो अपन ने ये खोल लिया पूरा, ये कैपेसिटर रखे होते हैं देखो अंदर, ऐसे एक कैपेसिटर रखे, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, देखो जैसे अभी आप पे इससे आ रहा है 91, ठीक है, ये 92 आ रहा है। अब आपको जैसे कैपेसिटर चेक करना है इनमें से, सबसे पहले हम सबसे नीचे वाला करते हैं चालू, मैनुअल डालेंगे और इसको चालू कर देंगे। अब ये चालू हो गया, ठीक है, इसकी इंडिकेटर नहीं, पर ये हमने यहाँ से स्टार्ट दबाया तो ये चालू हो गया। पहले हमारा 93 था, अब कहाँ पहुँच गया, 94 पहुँच गया, ठीक है। अब ऐसे ही एक और को चेक करना है तो हम इसको भी चालू करेंगे, तो अब देखते हैं ये कितने बजे आता, ये देखो 98 पे आ गया, ठीक है। अब अपन ने कितने इसके दो कैपेसिटर मैनुअल में चालू कर दिए, तो ये 98 आ गया। अब अपन तीसरा भी चालू करते हैं, देखो यहाँ से ये मैनुअल किया और अपन ने ये चालू कर दिया, तो ये देखो बन आ गया, ठीक है, ये अपना बन आ गया। जब बन आ गया तो क्या, हमारे ये कैपेसिटर आपको कभी भी चेक करना हो कैपेसिटर, तो इसको मैनुअल में करके ऐसे एक एक को जैसे चालू करते जाएंगे आप, तो क्या होगा, चालू होता चला जाएगा और आपका कैपेसिटर यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमारा कैपेसिटर बैंक काम कर रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कैपेसिटर बैंक कैसे काम करता है। अब अपन इसको दोबारा क्या कर देंगे, सबको ऑटो में डाल देंगे, ये अपने आप बंद चालू होते रहेंगे, ठीक है। क्या रहेगा इससे कि पूरा हमारा पैनल हमने चेक कर लिया कि काम कैसे करता है। देखो ये अपने आप बंद चालू होंगे, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो ध्यान से, ये देखो अभी भी ये बने मगर 5 चल रहे हैं, ठीक है। अभी हमने एक एक करके चालू किया तो अभी ये 3 यहाँ पे ऑफ हुआ, ये इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ऐसे पावर फैक्टर अंदर रहता है, और कैपेसिटर पैनल का यही काम रहता है कि हमारे लोड के हिसाब से क्या करता है, कैपेसिटरों को बंद और चालू करता है। और आपको चेक करना भी समझ में आ गया होगा चेक कैसे करते हैं, ठीक है। ये अपने मेन पैनल के साथ में एक सीटी के थ्रू सिंक रहता है पूरा, ठीक है, एक सीटी के थ्रू सिंक रहता है। जब जैसे ही सीटी से क्या करती है, यहाँ से करंट बढ़ता है मेन पैनल का, देखो यहाँ पे करंट शो कर रहा है, जैसे ये 202 एम्पियर शो कर रहा है, जैसे ये बढ़ता जाएगा तो कैपेसिटर चालू होते जाएंगे और करंट कम होता जाएगा तो कैपेसिटर बंद होते जाएंगे। जी इसके साथ एक सीटी के थ्रू सिंक रहता है, पूरे इस पैनल के साथ हमारा कैपेसिटर पैनल सिंक रहता है।